फायरिंग कांड में मधुबनी के बेनीपट्टी निवासी के युवक की मौत हो गई है। दिल्ली में दंगाइयों द्वारा फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के सहरोल गांव में निवासी मोहम्मद इब्राहिम के 28 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुबारक हुसैन के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक 25 फरवरी को दिल्ली के मौजपुर स्थित अपने तत्कालीन डेरा में से काम पर जाने के लिए निकल रहा था। उसी दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे दंगाइयों ने उन पर 3 राउंड गोली चला दी। 2 राउंड गोली से तो वह किसी प्रकार बच गए, पर अंतिम और तीसरी राउंड गोली उनको लग गई, जिसके कारण उनकी दर्दनाक मौत उसी समय हो गई। इधर युवक की मौत की सूचना उनके परिजन को दी गई, जहां जानकारी मिलते ही मृतक के माता और पिता हवाई जहाज से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए, जबकि 21 फरवरी को मृतक का भाई दिल्ली पहुंच चुका था। इधर जानकारी मिलते ही सीओ प्रमोद कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष महेंद्र कुमार सिंह दलवल के साथ सहरोल इस्लामिया टोल पहुंच घटना का जायजा लिया और खेद प्रकट की। आरजीबीआर न्यूज के लिए मधुबनी से गोपाल राजा की रिपोर्ट। धन्यवाद। है ना, वही ट्रांसफर कर दीजिए। बयान नहीं दे दिया वाला ये कौन है उनकी? अच्छा, ये उनकी अम्मी है। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, आप उनके कौन हुए? खाला। खाला हुए, ठीक। वो जो लड़का है उनके आप कौन लगते हैं? अच्छा, तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से उम्मीद करते हैं वही बाबू कमाए वाला रहा, पूरे घर को वही चलाते रहे। हाँ, कोई का सहारा ना है, जो सहारा रहा वो तो उड़ गया। हम दोनों भाई वहीं पे रहते थे, तो ये काम पर से मतलब काम पर सुबह गए थे, काम पर से ये आए लंच टाइम में काम पर से आए, तो मैं इसको बहुत मना किया काम करने जाने से, ये जबरदस्ती का जाने लगा। मैं इसको मना बोले कि मोहल्ले में काम है, मोहल्ले में बोले काम है वो, फिर ऊपर से दंगे फसाद हो रहे थे, मैं इसको बहुत मना किया, ये मुझे मना करके चले गए नीचे। हम लोग फिर ऊपर से देख रहे थे, 5 महीने की बिल्डिंग पर से जहाँ नीचे गए सीढ़ी पे एक गेट है, वो गेट ही पर खड़े थे, वो बाहर से फायरिंग होने लगी। हाँ, तो 3 फायरिंग हुई, उसमें 2 मिस हो गया, तीसरी फायरिंग उसे सीने पे लगी। फिर हम लोग गए वहाँ दौड़ करके नीचे, फायरिंग वही लफड़ा हो रहा था वहाँ ना, यानी पब्लिक मार रही थी, आगे आगे पुलिस थी, उसका वीडियो भी देखा मैं।